भारत समेत दुनिया भर के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं, लेकिन हाल ही में आए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में इस वेरिएंट के अभी तक 530 सैंपल्स मिल चुके हैं। अभी तक ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा। ओमिक्रॉन का यह नया वेरिएंट भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि BA.2 स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटी ने भी ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट के सैकड़ों मामलों की पहचान की है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के 426 मामलों की पुष्टि की गई है। साथ ही यह भी संकेत दिए गए हैं कि लगभग 40 देशों में भी ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट का पता चला है। आपको बता दें कि इसका सबसे पहला मामला 6 दिसंबर 2021 को दर्ज किया गया था। ब्रिटेन के लंदन शहर में इसके सबसे ज्यादा 146 केस दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि BA.2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। UKHSA के अनुसार ओमिक्रॉन की तुलना में यह नया वेरियंट तेजी से फैल रहा है। UKHSA ने चेतावनी दी है कि BA.2 का कोई खास म्यूटेशन नहीं है, जिसके चलते इसे डेल्टा वेरिएंट से अलग किया जा सकता है। लगभग 40 देशों में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पता चला है। डेनमार्क में BA.2 के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। डेनमार्क के अध्ययनकर्ताओं ने आशंका जताई है कि नए वेरिएंट की वजह से ओमिक्रॉन वायरस से बढ़ रही महामारी के दो अलग अलग पीक आ सकते हैं। इस बीच जॉन हॉपकिंस में विषाणु विज्ञानी ब्रायन जेले ने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन BA.2 फ्रांस और डेनमार्क के बाहर पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में महामारी और बढ़ा सकता है। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 530 सैंपल्स रिपोर्ट्स किए गए हैं। इसके बाद स्वीडन में 181 और सिंगापुर में 127 मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।